दोस्तों, ये कहानी ऐसे लड़के की है जिसका दिल अच्छा था लेकिन पैसा नहीं था। इसी बारे में ये वीडियो है। और क्या होता है इस स्टोरी में आगे देखिए, किसका किस्मत कब पलट जाता है कोई नहीं जान सकता है। तो आइए इस स्टोरी में देखते हैं। एक लड़का को माया नाम की लड़की से प्यार हो गया। माया के प्यार में पागल लड़का अपने आप पर काबू न रख सका। एक दिन उसने माया को अपने दिल का बात बता दिया। माया ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पूरे महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा एक बराबर है। बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में, और बाकी सब जमीन और आसमान जैसा है। तुम सोचते हो कि तुम जैसे किसी से मैं शादी कर सकती हूँ? मैं तुमसे कभी प्यार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूंगी। इसलिए मेरे बारे में भूल जाओ और अपने जैसी किसी लड़की को ढूंढो और उससे शादी करो। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों लड़का को उसे कभी भुला नहीं पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस घटना को लगभग 5 साल बीत गए। एक दिन वो लड़का और माया एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए। माया ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया और कहा, अरे तुमने अपनी जैसी कोई लड़की ढूंढकर उससे शादी की या नहीं? मैंने अब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है जिसकी एक महीने की सैलरी 1 लाख रुपया है। क्यों, अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की। लड़का माया की परवाह करता था। वो उसकी बातों को सुना और कुछ नहीं कहा। माया अकेली शॉपिंग मॉल में नहीं आई थी। उसका पति उन्हें बात करते हुए देख उनके पास आ पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि माया कुछ बोल पाती, उसके पति ने उस लड़के को पहचान लिया जिससे वो बात कर रही थी और कहा, सर आप, गुड आफ्टरनून सर, मुझे लगता है आप मेरी पत्नी से मिल चुके हो। गुड आफ्टरनून, लड़के ने माया के पति से कहा। फिर पति अपनी पत्नी यानी माया को बोला, डार्लिंग मैं इन्हीं के कंपनी में काम करता हूँ। माया हैरान थी कि समय का पहिया ऐसे भी घूमता है। अब माया सकपका गई थी। माया उस लड़के से नज़र नहीं मिला पा रही थी। वो अंदर ही अंदर डर गई कि ये लड़का तो मेरे पति का बॉस निकला। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बदतमीजी की वजह से ये लड़का मेरे पति को जलील न कर दे, बेइज्जत न कर दे। लेकिन लड़का के मन में ऐसा कुछ नहीं था। लड़का बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे जाना होगा। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन अच्छा रहे। कुछ देर के लिए पति पत्नी बस उस लड़के को जाते हुए देखते ही रहे। इधर माया को जोरदार झटका लगा था। माया ने झटके से उबरने की कोशिश करते हुए अपने पति से पूछा, क्या वाकई ये तुम्हारा बॉस था? उसका पति बोला, हाँ डार्लिंग, ये काफी अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके जिंदगी के साथ काफी दुखद कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि वो एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो तब गरीब थे। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की, और क्योंकि वो होशियार हैं, वो सफल हो गए। अब वह एक करोड़पति हैं जो एक महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं।
लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि वो उस लड़की से एकदम सच्चा प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। पति उस लड़के की तारीफ करते हुए कहा, कितनी खुश नसीब होती वो औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। माया पूरी तरह से सदमे में थी और एक शब्द भी नहीं बोल सकी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसका किस्मत कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।